हेलो बच्चों, मैं आशीष मुदगल मुदगल केमिस्ट्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज के हम लेक्चर में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में मोलैरिटी डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम, मोलैरिटी। ओके बच्चों, इसके बाद लेक्चर 2 अपलोड करेंगे जिसमें मोलैरिटी रहेगा। आज हम मोलैरिटी को समझेंगे, आओ। मोलैरिटी, मोलैरिटी का डिफाइन क्या है बच्चों? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 liter of solution is known as molarity of solution। के बच्चों, molarity किससे denote करेंगे? capital M। unit क्या है? मोल पर लीटर। फॉर्मूला क्या रहेगा? मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर लीटर में वॉल्यूम है तो हम इतना फॉर्मूला याद रखेंगे। और फॉर्मूला क्या हो सकता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ml लिखा जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर बेटा ml में अगर आप वॉल्यूम लिख रहे हो सॉल्यूशन का, तो ऊपर 1000 आना ही आना है फिर। ओके अच्छा, एक हम मोलैरिटी में इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को चेंज कर सकते हैं, तो फिर फॉर्मूला क्या होगा? गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1000 है ही, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख ही दिया, और ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे, इसके लिए हमने क्या लिख लिया है? गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, ये हमारा मोलैरिटी है। मोलैरिटी क्या है एक बार डेफिनेशन देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 liter, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड डिफाइन है ये, नोन एज मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। काई से रिप्रेजेंट क्या है? कैपिटल M। यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। फॉर्मूला क्या है? सर एक फार्मूला तो ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। अगर ml में हो तो ऊपर 1000 हो जाएगा। और इस फॉर्मूले में हमने क्या किया है सर? मोल्स के लिए हमने लिख रखा है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये हमारा मोलैरिटी का डिफाइन है, फॉर्मूला। अब मोलैरिटी के 2 केसेस और पढ़ने होते हैं। एक होता है हमारा मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? M1B1 इक्वल्स टू M2B2, ये फॉर्मूला है। M1 क्या है? मोलैरिटी बिफोर डाइल्यूशन, V1 वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन, M2
मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन बी टू वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन सिंपल फॉर्मूला है एम वन बी वन इजकल्स टू एम टू बी टू। एम वन क्या है मोलैरिटी बिफोर डाइल्यूशन, बी वन वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन, एम टू मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन, बी टू वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन। एक बेटा मोलैरिटी के लिए हमें टॉपिक ये भी आना चाहिए, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका मोलैरिटी m1 वॉल्यूम b1, एक और सॉल्यूशन जिसका मोलैरिटी m2 वॉल्यूम b2, अगर हम इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दें और इनके वॉल्यूम एडिटिव हों, अगर ऐड हो सकते हों, तो हम इसको मोलैरिटी क्या लिखेंगे इसके लिए m3 और वॉल्यूम क्या होगा b3। और आपको पता है b3 क्या होगा b1 प्लस b2, ये होगा b3। फॉर्मूला क्या है m1 b1 प्लस m2 b2 इज इक्वल्स टू m3 b3, करेक्ट। एक बार फिर समझ लीजिए b3 क्या होगा, b3 होगा b1 प्लस b2। आप जो v1 और v2 वॉल्यूम को मिक्स करोगे वो हमें b3 प्रोवाइड करेगा। अभी हमारा क्वेश्चन है इस टॉपिक से, 9.8 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, फॉर्मूला लिखेंगे हम सबसे पहले अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ml में लिख रहे हो तो 1000 ऊपर पहुंच जाएगा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है 9.8 ग्राम H2SO4 का मोलर मास 98, वॉल्यूम 2 लीटर। 2 लीटर को मैं और क्या लिख सकता हूँ सर, आप 2 लीटर को लिख सकते हो 2000 ml, तो मैं यहाँ 2000 ml लिख लूँगा। ऊपर कितना है 1000, ये कितना है सर 9.8 अपॉन 98 वन बाई टेन हो जाएगा, ये 1/2 कितना आ जाएगा, ये 0.05 ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है 5 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कैपिटल M इजकल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये 5 ग्राम NaOH ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 5 ग्राम, NaOH का मोलर मास 40, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250, ऊपर 1000, ये सॉल्व करना है हमें। ये ज़ीरो कैंसिल हो गया बेटा, ये 25 से 100 फोर टाइम, 4 से ये 10, 4 से ये 10 टाइम, 5 अपॉन 10 0.5 कैपिटल M। इस क्वेश्चन में हमें सॉल्यूट के डायरेक्ट मोल्स हैं और वॉल्यूम है, फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन इन ml, ऊपर क्या रहेगा फिर सर? 1000 टाइम मोल्स कितने हैं? गिवन है NaCl का मोल है 0.006, वॉल्यूम कितना है 100 ml, ऊपर 1000। ये सर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 10 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0.06। इस क्वेश्चन में हमें पार्टिकल्स गिवन है और वॉल्यूम है। सर अब यहाँ कैसे? आप बेटा पार्टिकल्स के मोल बना लीजिए, n इज़ टू कैपिटल n अपॉन एन ई। मोल्स के फॉर्मूले पढ़ते हैं मोल कैलकुलेट करने के लिए, तो एक फार्मूला ये भी होता है गिवन पार्टिकल अपॉन एन ए, कितने मोल्स आ जाएंगे 6.022 × 10⁻²⁰ अपॉन 6.022 × 10⁻²³। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10⁻³, 10⁻³ मोल्स ये आ जाएंगे। फॉर्मूला लगाओ, मोलारिटी इज़ टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ओके, कैपिटल M इज़ टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये फाइंड आउट कर चुके हम, 10⁻³ इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है 100, कितना वॉल्यूम है 100 ml। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा सर? ये दो जीरो कैंसिल आउट, 10⁻²। सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है बेटा, इसको आप अरेंज करोगे तो कितना हो जाएगा ये 0.01 कैपिटल। अब तक हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो मोलारिटी के फॉर्मूला पर बेस्ड थे। इस क्वेश्चन में हमें मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग कैलकुलेट करना है। मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेंड बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ 0.5 कैपिटल एम एच सी एल विद 250 ml ऑफ 2 कैपिटल एम एच सी एल विल बी। आपके लिए प्यारे बच्चों ये क्या होगा M1, इसको क्या ये आपके लिए क्या होगा बेटा वॉल्यूम है, तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे V1, और ये हमारा क्या हो जाएगा M1, ये क्या होगा हमारे लिए V2, और ये क्या होगा हमारा M2। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे M1 V1 + M2 V2 = M3 V3। पहले B3 पे बात कर ली जाए, B3 क्या होगा V1 + V2, V1 और V2 को ऐड कर दो, ये हमारा V1 कितना है 750, V2 कितना है, कितने में मिक्स किया है 250, ये कितना आ जाएगा 1000 ml। ओके, M1 कितना है सर 0.5, V1 कितना है 750 प्लस M2 कितना है 2, V2 कितना है 250 अपॉन यहाँ क्या आएगा V3, और V3 कितना है प्यारे बच्चों 1000। इसको सॉल्व करेंगे, देखो बोर्ड की तरफ इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर, तो ये कितना आएगा ये 500 हो गया प्यारे बच्चों। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 750 × 0.5, ये 375 375 आएगा अपॉन 1000। इसको और सॉल्व कर लीजिए, क्या लिखेंगे इसको हम M3 इज़ टू ऐड करोगे तो हो जाएगा 875 अपॉन 1000
m3 इक्वल्स टू 0.875। कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है आपको? सर ये ऑप्शन ए, ये हो जाएगा जेई मेंस 2013। नेक्स्ट, द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेंड बाय मिक्सिंग 800 ml, ये हो गया b1, ये m1। तो v1 का वैल्यू कितना है? 800 ml। कितने के साथ मिक्स किया है बच्चों? 200 ml। m1 का वैल्यू कितना है? 0.5। m2 का वैल्यू कितना है? 1। फॉर्मूला क्या है? m3 इज इक्वल्स टू m1 b1 प्लस m2 b2 अपॉन b3। सबसे पहले b3 बता दीजिए सर। b3 होगा b1 प्लस b2। b1 कितना है? 800। b2 कितना है? 200। कितना हो गया? 1000 ml। ओके, m3 इज इक्वल्स टू m1 का वैल्यू पुट करो 0.5, v1 कितना है? 800 प्लस m2 का वैल्यू 1, b2 200 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना आया है? 1000। इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? ये 400 प्लस 200 अपॉन 1000, 600 अपॉन 1000 कितना आएगा? 0.6 कैपिटल m। ऑप्शन सी। सेम क्वेश्चन है, 25 ml, ये बेटा क्या हो गया हमारे लिए? v1। इसके साथ जो मोलरिटी है वो क्या होगा? m1। दूसरा सॉल्यूशन कितना वॉल्यूम है? 75 ml, मोलरिटी m2 इक्वल्स टू 4। अगर आपसे पूछा जाए फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, सर हम b1 और b2 को ऐड कर देंगे तो 100 हो जाएगा। ये 25 प्लस 75 तो v3 आ जाएगा हमारे पास 100 ml। फॉर्मूला लगाते हैं, m3 v3 इक्वल्स टू m1 b1 प्लस m2 b2 अपॉन b3। और b3 कितना है सर? b1 प्लस b2 b3 होगा। m3 इज इक्वल्स टू m1 b1 प्लस m2 b2 अपॉन b3। वैल्यू पुट करते हैं, m3 इज इक्वल्स टू m1 कितना है? 3। b1 25 प्लस m2 4, v2 75, b3 का वैल्यू कितना है? 100। m3 इज इक्वल्स टू 25 इंटू 3 75 प्लस 4 इंटू 75 300 अपॉन 100, ये कितना हो जाएगा? m3 इज इक्वल्स टू 375 अपॉन 100, m3 इज इक्वल्स टू 3.75। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट। ये दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, हमें तो आंसर से मतलब है। अगर कोई ऑप्शन में नहीं भी है, ये दोनों सेम ऑप्शन, हमारा ये आंसर आ रहा है। ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इफ 500 ml ऑफ 5 कैपिटल M सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन, कौन सा टॉपिक है? देखते ही पहचानना है आपको, मोलरिटी ऑफ
डाइल्यूशन टॉपिक का क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या है? एम वन बी वन इजकल्स टू एम टू बी टू। एम वन का वैल्यू कितना है? 5। वी वन कितना है? 500। डाइल्यूशन के बाद मोलर वॉल्यूम कितना है? 1500। मोलरिटी हमें चाहिए। ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 25, ये 15 यहाँ आ जाएगा, इजकल्स टू एम टू। 5 से ये 5 टाइम, ये 3 टाइम, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ये 1.66। ऑप्शन बी। फॉर कन्वर्टिंग अ सॉल्यूशन ऑफ 100 ml KCl B1 इजकल्स टू 100 ml M1 0.4 कैपिटल M कॉन्सेंट्रेशन इन टू अ सॉल्यूशन ऑफ, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होकर कितना हो चुका है? 0.05 कैपिटल M। द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडिड इज क्वेश्चन मार्क। हमें क्या चाहिए सर? पहले तो हम B2 फाइंड आउट करेंगे। M1 B1 इजिकल्स टू M2 B2। M1 का वैल्यू 100, M1 का वैल्यू बेटा क्या लिखा जाएगा इसमें? 0.4। B1 100, M2 B2 का वैल्यू क्या है? M2 का वैल्यू पुट करेंगे इसमें सबसे पहले 0.05। B2 कैलकुलेट करना है हमें, इसको क्या लिख सकते हैं हम? B2 इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू 100 अपॉन 0.05। ये कितना हो जाएगा अगर इसको सॉल्व किया जाए तो? 40 अपॉन 0.05। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 800 ml। अब आपको ये सोचना है कि हमारे पास पहले कितना वॉल्यूम था 100 ml, अब कितना हो चुका है 800 ml। तो कितना वाटर इसमें आपने ऐड किया होगा, तो वो कैसे निकलेगा? B2 माइनस B1, 800 माइनस 100 इजकल्स टू 700। आपको कितना पानी और ऐड करना है इसमें? 700 ml। द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेंड बाई मिक्सिंग 250 ml ऑफ, ये हो गया हमारा B1, 250 ml, M1 12 कैपिटल M। दूसरा वॉल्यूम क्या है हमारे पास बेटा जिसके साथ मिक्स कर रहे हैं इसको? 750। मोलरिटी क्या है? 4 कैपिटल M। अगर आपसे पूछूं B3 क्या होगा, तो सर B1 प्लस B2, V1 का वैल्यू क्या है? 250, B2 का क्या है? 750। ये कितना हो जाएगा? 1000 ml। फॉर्मूला क्या है मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग का? M3 इजकल्स टू M1 B1 प्लस M2 B2 अपॉन B3, और B3 को हम क्या लिख सकते हैं? B1 प्लस B2। M3 इजकल्स टू M1 का वैल्यू 12, 250 प्लस M2 4। इसको सॉल्व करेंगे, M3 इज गस टू 3000 आएगा, ये भी 3000 आएगा अपॉन 1000। M3 इज गस टू 6000 अपॉन 1000, ये कितना हो जाएगा? 6 कैपिटल M। आज के लेक्चर में हमने मोलरिटी को समझा, उसके क्वेश्चंस डिस्कस किए थे बेटा,
नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर टू में हम मोलालिटी को समझाएंगे, उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।